हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप हीरो कंपनी का कोई 100 सीसी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो ऐसे में आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस भी पसंद आ सकती है या फिर हीरो पैशन प्लस भी आपको पसंद आ सकती है। ऐसे में इन दोनों मोटरसाइकिल में से आपको कौन सा लेना चाहिए, इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाले हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। क्योंकि अगर प्राइस में डिफरेंस देखेंगे तो जो पैशन प्लस आती है इसका प्राइस और जो स्प्लेंडर प्लस का 01 एडिशन है इसके प्राइस में मात्र 300 रुपये का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो 300 का फ़र्क की वजह से आपको कौन सा लेना चाहिए, क्या फीचर्स मिल जाती है, माइलेज कितना देती है, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पहली बार हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हीरो कंपनी का कोई भी बाइक या फिर स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे होंगे तो लक्ष्मी मोटर्स हीरो शोरूम पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो शोरूम का एड्रेस है आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो कि देवरिया सलीमपुर रोड पर है, सावित्री नर्सिंग होम के ठीक अपोजिट साइड, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं दोनों में कितना आपको डिफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनके कलर ऑप्शन से। तो अगर आप पैशन प्लस लेंगे तो इसमें आपको 4 अलग अलग कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं अगर आप स्प्लेंडर प्लस लेते हैं तो इसमें तो काफ़ी अलग अलग वेरिएंट मिल जाता है, लेकिन जो 01 एडिशन है इसमें आपको केवल एक सिंगल कलर ऑप्शन मिलेगा। बाकी लुक और डिज़ाइनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आप पहले फ्रंट का दोनों लुक देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्प्लेंडर प्लस है ये देखेंगे मैट फिनिश के साथ मिल जाता है, जहाँ पर कुछ ऐसी आपको ग्राफिक्स मिल जाएगी। हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। स्क्वायर शेप में आपको यहाँ पर हेडलैम्प मिल जाता है हैलोजन के साथ। इंडिकेटर लाइट देख सकते हैं, हल्का सा फ्लेक्सिबल मिल जाएगा। फ्रंट का फेंडर देख सकते हैं मैट फिनिश के साथ दी गई है और इसका जो एलॉयज का पैटर्न है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी साइड जो पैशन प्लस है इसका हेड का लुक आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर हीरो का लोगो दिया गया है, हेलोजन हेडलैम्प यहाँ पर भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेटर लाइट है वो देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यूनिक टाइप का मिल जाता है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देता है। उसमें आपको थोड़ा सा बेसिक सा इंडिकेटर लाइट मिलता है लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश मिल जाता है। बाकी फ्रंट फेंडर यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश के साथ दी गई है, जिसका एलॉयज का पैटर्न है वो लगभग आपको सिमिलर मिल जाता है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। बाकी साइड लुक की अगर बात करें तो 01 का आप ग्राफिक्स देख सकते हैं और टैंक के ऊपर आप देखेंगे तो इस 3D में लोगो दिया गया है। और बैग अगर हटाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको ग्राफिक्स मिल जाता है स्प्लेंडर प्लस का। और साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 01 की बेजिंग और आपको स्प्लेंडर प्लस ऐसे 3D में लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे पावर स्टार्ट मिल जाता है। बाकी जो इसका इंजन का कलर है वो देख सकते हैं, यहाँ पे लेग गार्ड भी दिया गया है। इसका ब्रेक पेडल्स देख सकते हैं, किक स्टार्टर दिया गया है और एग्जॉस्ट के ऊपर आपको क्रोम कवर देखने को मिल जाएगा। बाकी सीट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको I3S की बैजिंग मिल जाती है। सीट की डिज़ाइनिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं और पीछे इसमें आपको ग्रेवरेल मिल जाता है और यहाँ पर हल्की सी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसकी आप ग्राफिक्स देख सकते हैं। टैंक के ऊपर आपको स्टीकर की ओर मिलता है पैशन प्लस का। यहाँ पे पावर स्टार्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ब्लैक पार्ट ज़्यादा दिया गया है, जो लेग गार्ड है भी ब्लैक कलर के साथ दिया गया है, इंजन ब्लैक दिया गया है। बाकी ब्रेक्स सेम मिल जाता है, क्योंकि स्टार्टर देख सकते हैं। साइड में आपको ग्राफिक्स मिल जाती है, I3S की बैजिंग दी गई है, हीरो का स्टिकर पीछे दिया गया है। बाकी यहाँ पर इसका सीट देख सकते हैं, पीछे इसमें ग्रेवेल दिया गया है और यहाँ पर हीरो का स्टिकर यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है। तो उधर आप इसका ग्राफिक्स देख सकते हैं और इसकी ग्राफिक्स इधर देख सकते हैं। लुक की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी साइज़ में छोटी है और ये आपको साइज़ में थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, तो ये आपको डिफरेंस मिल जाता है डिज़ाइनिंग में। बाकी जो टेल लैंप डिज़ाइनिंग है इसका आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश मिल जाता है और इसमें आपको बेसिक सा मिलता है। तो डिज़ाइनिंग में आपको ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इंजन की बात करें तो इन दोनों में आपको सेम इंजन मिल जाता है। अगर आप स्प्लेंडर प्लस लेते हैं या फिर आप पैशन प्लस लेते हैं, दोनों में आपको 97.2 सीसी का इंजन मिल जाएगा, जो कि सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिल जाती है। सेम पावर जनरेट करती है, 8.02 PS का पावर और 8.05 NM का टॉर्जिन करती है। दोनों में सेम इंजन दिया गया है। बाकी ये 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलेगी और इसमें भी 4 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। तो यहाँ पे इंजन पावर में आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सस्पेंशन की अगर बात करें तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा और पैशन प्लस में भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक दिया गया है। लेकिन जब रियर सस्पेंशन की बात आती है तो इसके रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन दिया गया है स्प्लेंडर प्लस में। लेकिन ये लेंगे तो इसमें आपको ट्विन ट्यूब आपको सस्पेंशन देखने को मिलेगा, ट्विन शॉक का सस्पेंशन दिया गया है। तो सस्पेंशन में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है रियर के साइड। लेकिन अगर टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे दोनों में सिमिलर टायर दिया गया है। इसमें भी आपको 80x100 का 18 इंच के टायर्स दिए गए हैं फ्रंट और रियर में, और इसमें भी आपको 80x100 का 18 इंच के यहाँ पे टायर दिए गए हैं। तो टायर साइज़ बिल्कुल सेम है, फ्रंट और रियर दोनों में 80x100 का 18 इंच के टायर दिए गए हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें फ्रंट की साइड 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, इसके फ्रंट और रियर दोनों में 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। और इसमें भी आपको सेम 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है फ्रंट और रियर में। तो ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल सेम है,
बाकी फीचर्स की बात करें, फीचर्स में आपको कितना डिफरेंस मिल जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, और इसमें भी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। एक ब्रेक लगाने से दोनों ब्रेक एक साथ काम करते हैं, तो ये फीचर्स सिमिलर है। बाकी इसमें भी आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ये आपको हेडलैम्प सेटअप दोनों आपको हैलोजन के साथ मिलती है। इसके अलावा स्पेंडर प्लस अगर आप लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको बेसिक सा एनालॉग मीटर कंसोल मिलेगा इस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको स्पीड, फ्यूल, यहाँ पे स्पीड, ऑडोमीटर और फ्यूल की जानकारी मिल जाती है। कुछ इंडिकेटर लाइट दिए गए हैं, साइड स्टैंड इंडिकेटर, ITS की लाइट यहाँ पे दी गई है। और स्विचेस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हेडलैम्प हाई बीम इंडिकेटर स्विच और ऑन का बटन दिया गया है, और इधर आपको ITS का बटन मिल जाता है, स्टार्ट का बटन मिल जाता है। तो इसका मीटर कंसोल आप देख सकते हैं बेसिक सा मिलेगा। वहीं दूसरी साइड अगर आप पैशन प्लस देंगे तो इसमें आपको डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है, जो कि थोड़ा सा स्टाइलिश लुक मिलती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीड की जानकारी, बाकी यहाँ पे ऑडोमीटर, ट्रिप, फ्यूल की जानकारी मिल जाती है। तो इसमें आपको डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाएगा, और इसमें जो कि आपको बस एनालॉग मीटर मिलता है। हालांकि एक्स्ट्रा के मॉडल इसका लेंगे तो इसमें आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन इस वेरियंट में आपको ये डिफरेंस मिल जाता है। बाकी इसके स्विचेस की बात करें तो इसमें पासिंग स्विच थोड़ा सा अलग से ऐड कर दिया गया है, बाकी ये चीज़ें आप सेम है। हाई बीम लो बीम स्विच, यहाँ पे इंडिकेटर स्विच और यहाँ पे हॉर्न का स्विच दिया गया है। दूसरी साइड यहाँ पे केवल सेल्फ बटन मिलता है, लेकिन इसमें ITS टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। इसके अलावा इसमें एक फीचर और भी कॉमन मिल जाएगा, इसमें USB चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे हेड के पास दिया गया है, और इसमें भी आपको USB चार्जिंग सॉकेट इसके हेड पर मिल जाता है, जहाँ से अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स लगभग आपको सिमिलर मिल जाती है। फीचर्स में कहाँ डिफरेंस है आपने देख लिया, इसके मीटर कंसोल में डिफरेंस है, बाकी स्विचेस में इसमें पासिंग स्विच एक्स्ट्रा दे दिया गया है, जो कि इसमें आपको पासिंग स्विच देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ITS का बटन यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसमें ITS का बटन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आपको डिफरेंस इसके फीचर्स में मिल जाता है। बाकी माइलेज की बात करें तो दोनों ही 100 CC में आती है, तो यहाँ पर माइलेज दोनों में 70 KMPL तक आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन में थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेंडर प्लस का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm है, और उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm है, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा खराब से खराब रोड पर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 785 mm तक देखने को मिलती है, लेकिन इसकी जो सीट हाइट है वो 790 mm है, तो थोड़ा सा सीट हाइट इसकी ज़्यादा है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 9.8 लीटर दी गई है, और इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर दी गई है, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इसका ज़्यादा है। बाकी जो इसका वेट है 112 kg है, और इसका जो वेट है 115 kg है, तो ये 3 kg भारी भी है। वहीं बात आती है प्राइसिंग की, किस प्राइसिंग में मिल जाएगी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, ये 300 रुपये तक आपको केवल सस्ती मिलेगी इस वेरिएंट के साथ। तो हीरो स्पेंडर प्लस 01 एडिशन लेते हैं तो एक्सरूम उत्तर प्रदेश में प्राइस 78,226 रुपीज़ तक एक्सरूम प्राइस है, ऑनो प्राइस 95,000 यानी कि 95,000 रुपये तक चली जाती है। वहीं अगर आप पैशन प्लस लेते हैं तो इसका जो एक्सरूम उत्तर प्रदेश प्राइस है 78,391 यानी कि 78,391 तक है, और इसकी जो ऑनो प्राइस है 95,300 यानी कि 95,300 रुपये तक चली जाती है। तो प्राइसिंग में केवल इसके 300 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है, बाकी जितने भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। जो मोटा मोटी इसमें जो डिफरेंस है वो इसके फीचर्स में आपको देखने को मिलता है, इसमें डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल दे दिया गया है, इसमें आपको बेसिक सा मीटर कंसोल मिलता है, बाकी इसमें पासिंग स्विच एक्स्ट्रा दे दिया गया है, और सस्पेंशन में इसमें सस्पेंशन थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ग्राफिक्स में आपने डिफरेंस देख लिया है, तो जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे दिया। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।